कब से देख रहे हैं? अरे अरे अरे, तो दिखाइए ना हमें, तभी तो हम खुला रख रहे हैं। सर आवाज़ नहीं आ रही है। ओके 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 सर, सर आवाज़ नहीं आ रही, सर आवाज़ आ रही, विकास कुमार। ओके ओके ओके, सॉरी यार थोड़ा सा सर ऑफ हो गया था, पता नहीं चला। देखो और किसी ने बताया भी नहीं है। अब खुलियो, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ठीक है। देखो देखो देखो, आधी मूवी इसी खत्म हो गई है, राजा हरिश्चंद्र हो गई है ना। देखो यहाँ पे देखो, इसलिए कह रहे लाइव आया करो बच्चा लोग। इधर देखो, लाइव का मजा ही कुछ और। देखो इधर, हाँ देखो किसी गलती के पता ही चला मुझे, है ना। देखो खैर, अच्छा एक फोन वाला व्यवस्था करवा दें, ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि लोग फोन करके पूछ सकें कि सर आवाज नहीं आ रही है। फोन से दुश्मन हो जाएगा, दिल्ली क्लास कल उधर करवा देंगे, वो ट्रांसफर कर देंगे हमारे पास। उधर करवा के उधर से ट्रांसफर करवा लेंगे, है ना। एक उधर रखेंगे, इधर रखेंगे। पहले आए तो वहां पे जब बोले हाँ सर कल देखिए आया हुआ है, तो कल ले लेंगे। हाँ बोलो क्या प्रॉब्लम है, अच्छा ये समझ में आया, समझा देंगे, है ना। मजा आएगा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। देखो आप कह रहे हैं, यहाँ पे देखो तो कह रहे हैं कि आई होप अब आवाज आ रही होगी विकास, और ये फाइटर गेमर है मुरली। अच्छा मुरली, मुरली कौन है? तो मैथ कह लग रहा है, तो बायोलॉजी देख रहा है लेक्चर। गजब यार, ये कुछ नहीं है, बायोलॉजी का स्वाग है ये। देखो यहाँ मैथ वाले भी देख रहे हैं। खैर देखो, ठीक है देखो यहाँ पे, अच्छा इसको सुनो, ये यहाँ पे नोट कर लो। क्या नोट करोगे? देखिएगा, आइडेंटिफिकेशन नॉमेनक्लेचर एंड, आइडेंटिफिकेशन नॉमेनक्लेचर एंड क्या, क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन वास वास एडेड इन सिस्टमैटिक। ये ध्यान रखिएगा, आइडेंटिफिकेशन नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, इसे रख देते हैं। इसे इंक्लूडिंग से याद कर सकते हो, इसको इंक्लूडिंग याद रहेगा, आपको याद रहेगा। इंक्लूडिंग में क्या है, आई एन सी एल है, इंक्लूडिंग से इसको याद कर सकते हो। ठीक है देखो यहाँ लिखा हुआ है इंक्लूड, इसी में आंसर है, आइडेंटिफिकेशन नॉमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन। आया मजा? देखो इंक्लूड में छिपा हुआ है क्या क्या इसमें शामिल किया गया है। सिस्टमैटिक में इंक्लूड, आई मतलब, एन मतलब, सी का मतलब, ध्यान रखना करेक्टराइजेशन नहीं है, गड़बड़ घोटाला घोटाला हो जाएगा। इससे करेक्टराइजेशन भी होता है, लेकिन करेक्टराइजेशन नहीं है। क्या क्या है बताओ? आइडेंटिफिकेशन, नॉमनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। किसमें इंक्लूड किया गया है? सिस्टमैटिक में। सिस्टमैटिक क्या है? डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का स्टडी करना, वो रहते कहाँ पे, उनका आपस में रिलेशन क्या है, समझा कुछ? तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये जो लाइन लिखी है ना, इसी लाइन में आंसर हो गया। इंक्लूडिंग लिखा हुआ है, आई फॉर, एन फॉर, सी फॉर, क्लासिफिकेशन, याद हो गया? जब ये लिखेंगे तो अपने आप से याद हो जाएगा, क्लियर। चलो आते हैं, इसका आंसर इसी में छिपा हुआ। फिर से देख लो मैंने क्या बताया, चार बेसिक है किसके, टैक्सोनॉमी के, पहला बताओ, दूसरा बताओ, तीसरा बताओ, नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ये टैक्सोनॉमी के बेसिक है, ये टैक्सोनॉमी के आधार है, और आपसे पूछे कि जो सिस्टमेटिक उसमें क्या क्या चीज इंक्लूड किया गया है, बाद में क्या बताओगे, आइडेंटिफिकेशन नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, ये चीज अलग है, ये अलग है, दोनों को अलग अलग करके रखना, अदरवाइज बन जाए खिचड़ी, ना तुम खाओगे ना हम खाएंगे। ठीक, सिस्टमा नेचुरी किसने लिखा? लिनियस ने। किसने लिखा? लिनियस, पूरा नाम होगा कैरोलस लिनियस, पास में कुछ सिस्टमेटिक नेचुरल, सिस्टमा नेचुरल लिखा इन्होंने। ठीक है, और स्पीसीज प्लांटरम भी इन्होंने लिखा, स्पीसीज प्लांटरम और सिस्टमा नेचुरी, स्पीसीज प्लांटरम और सिस्टमा नेचुरी, ये लिखा किसने? लिनियस ने। किसने लिखा? लिनियस, बस में इसको बाद में लिखवा देंगे जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो अलग से जो एक्स्ट्रा पॉइंट जो पूछे गए हैं उससे रिलेटेड वो मैं साथ में लिखवा दूंगा। ठीक है, सिस्टमा नेचुरी और स्पीसीज प्लांटरम, तो आप पढ़ोगे तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ोगे जो इससे पहले वाले क्लास में नहीं पढ़ाया गया, इसलिए बच्चे देखते रहते हैं कि कुछ अलग तो नहीं सर ने पढ़ा दिया हो जो हमें नहीं पढ़ाया हो। देखो यहाँ पे ऐसा हो सकता है भाई, हर लेक्चर में अलग अलग होगा। चलो ये हो गया हमारा सिस्टमेटिक,
ठीक है। हाँ देखो, तो यहाँ पे कुछ बातें बोल दी गई है कि इसमें चीजें कैसे कैसे चीजें इंक्लूड किया गया है। देखो यहाँ पे देखो क्या क्या है। देखो यहाँ पे हमने बताया कि जो सिस्टमेटिक इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। ठीक है, सिस्टमेटिक टेक इंटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। क्या कह रहे हैं देखो, सिस्टमेटिक टेक इंटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। क्या है देखो, कह रहे हैं इसमें जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है ऑर्गेनिज्म के बीच में उसको भी शामिल किया गया है उसमें। टेक इनटू अकाउंट मतलब उसको भी शामिल किया गया है। इवोल्यूशनरी से मतलब होता है जो पहले से प्राचीन काल में जो रिलेशनशिप थे उसके बारे में। बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप है जैसे आपके दादाजी के और दादा के भाई के रिलेशन बहुत अच्छा था, उसके बाद उन्हीं दादा से एक दो कटरी बनी, एक पापा जी वाला एक चाचा जी वाला अलग अलग बना, चाचा जी वाला नहीं जो दूसरे दादाजी हो गए, नहीं वो एक पूरी ब्रांच चली आई है। और आज के डेट में देख रहे हो कि ये अलग बन गया फैमिली, ये अलग बन गया है। दादाजी बहुत गहरे आपस में जो भाई थे बहुत गहरे दोस्ती थे और इनके बीच में तलवारें चल रही है, जंग चल रहा है ना। तो पहले की कंडीशन अलग थी। तो बताया जाए कि पहले इन लोग यही दादाजी थे, गले मिलने आते थे, ईद और दीपावली में साथ आते थे, और आज के डेट में दुश्मन बने बैठे हैं उनके बच्चे। तो उसी को बोलते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब पहले की जो हिस्ट्री रही है उनकी फैमिली के किसी भी आगजम के, उसी को बोलते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। बस में तो लोग कहते हैं क्या, जो गया गया आज का देखो, बस में जो गया गया वही क्या है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बस में कुछ। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ठीक है। हाँ एक लोग लाइव कर लिया करते, मान लो कुछ जाया तो पता चल जाएगा, वैसे मैं भी इसको ऑन कर लिया करूँगा। ठीक देखो यहाँ पे तो कहने मतलब सिस्टमेटिक टेकिंग इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो सिस्टमेटिक देखो देखा जाए तो चार चीजें इंक्लूड की गई है, पहला आइडेंटिफिकेशन, दूसरा नामकरण, फिर क्लासिफिकेशन, और एक चौथा आ गया कौन सा, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी आपस में इंक्लूड यहाँ पे कर दिया गया। क्लियर, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ठीक है। ये हो गया सिस्टमेटिक। पूछ सकता है इसमें सिस्टमेटिक क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई है बाद में, तो ध्यान रखिएगा आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है देखो आगे, इसको क्लेडिस्टिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लेडिस्टिक, बस ना क्या बोलते हैं, क्लेडिस्टिक भी बोलते हैं। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को क्लेडिस्टिक भी बोलते हैं। आगे आएगा तो बताएगा उसके बारे में। अगला हमारे पास क्या देखो, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ये तो हो गया। देखो क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस, पहली चीज तो ये है क्लासिफिकेशन सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। तो कैसा है, बट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप, बहुत सारे स्टेप होते हैं पास में। तो क्लासिफिकेशन में सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, पहली बात तो ये। क्यों, आप क्लासिफिकेशन करोगे सबसे पहले क्या लिखोगे उसका, किंगडम, फिर क्या लिखोगे, फाइलम या डिवीजन, फिर क्या लिखोगे, क्लास, फिर क्या लिखोगे, ऑर्डर, फिर क्या लिखोगे, फैमिली, फिर क्या लिखोगे, जीनस, फिर क्या लिखोगे, स्पीसीज। इसीलिए बोला गया है कि ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बस ना कुछ। देखो तो क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व द हायरार्की ऑफ स्टेप, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं इसमें। ठीक आगे देखो, इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट ए रैंक और कैटेगरी, और हर स्टेप को रैंक बोलते हैं या कैटेगरी बोलते हैं या टैक्सॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैंक, कैटेगरी या टैक्सॉन, तीनों एक ही चीज है। उसी चीज को आप रैंक बोलो, जैसे किंगडम क्या है, रैंक, रैंक है, कैटेगरी है, टैक्सॉन है, क्या है, किंगडम, तीनों बोल सकते हो। क्लास क्या है, रैंक, कैटेगरी या टैक्सॉन, तीनों है। क्लास क्या है, रैंक, कैटेगरी, टैक्सॉन, तीनों है। जीनस क्या है, रैंक, कैटेगरी, टैक्सॉन, तीनों है। स्पीसीज क्या है, रैंक, कैटेगरी, टैक्सॉन, तीनों, तीनों बोल सकते हो आप। मैं कुछ, ये तीनों के तीनों टैक्सॉन है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट लेवल के, बस में कुछ। जैसे स्पीसीज सबसे छोटा लेवल और किंगडम सबसे बड़ा लेवल। तो रैंक, कैटेगरी, टैक्सॉन सबको बोल सकते हैं लेकिन अलग अलग लेवल के। देखो यहाँ पे, सिंस द कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। आगे देखो, कैन एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की, जितनी भी कैटेगरी होती सबको मिला के हम लोग बोलते हैं क्या, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ए बी सी डी पूरी जितने होते हैं उनको बोलेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ईच कैटेगरी रिफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, और हर कैटेगरी को यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, इनफैक्ट रिप्रेजेंट ए रैंक एंड इज कॉमनली टर्म एज टैक्सॉन, क्या बोलते हैं, रैंक।
जो रैंक होती है, टैक्सान होता है, कैटेगरी होता है, ये क्या होती है? क्लासिफिकेशन की यूनिट होती है। अगर क्लासिफिकेशन बोले, टैक्सोनॉमी बोले, तो टैक्सोनॉमी की यूनिट क्या होगी? टैक्सॉन, ये रैंक या कैटेगरी। वही कह रहे हैं यहाँ पे, ये जो कैटेगरी होता है रिफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। यहां बताया गया ईच कैटेगरी रिफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ईच कैटेगरी या ईच टैक्सॉन या ईच रैंक, क्या बोलेंगे इसको? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। पास में कुछ ऐसे पूछ सकते हैं कि किंगडम क्या है? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लास क्या है? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पीसीज क्या है? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जीनस क्या है? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। बस में ये सब क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इसीलिए देखो इसका जो प्लूरल फॉर्म क्या है, वो टैक्सा है। क्या है? टैक्सा है। ये कुछ बात ध्यान रखिएगा। पहली चीज, क्लासिफिकेशन जो होता है वो सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होता, मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है। दूसरी बात ध्यान रखना इसमें कि जो टैक्सोनॉमी होती, इसमें क्या क्या ध्यान रखते हैं यहाँ पे, इसकी जो यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या क्या है? कैटेगरी है या रैंक है या टैक्सॉन है, ये बोल सकते हैं। टैक्सॉन सिंगुलर होता है, टैक्सा जो है वो प्लूरल होता है, इसको साथ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर से बताएं, अगर सिस्टमेटिक में क्या क्या चीजें बाद में इंक्लूड की गई है, पहला आइडेंटिफिकेशन, दूसरा उसके बाद, ठीक है, इलस्ट्री रिलेशनशिप, ठीक, ये हो गया। यहाँ पे ये कुछ बातें हो गई जिसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो आगे देखो क्या कह रहे हैं। हाँ, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। जैसे समझो इंसेक्ट की बात कर रहे हैं। क्या है? इंसेक्ट रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर लाइक थ्री पेयर ज्वाइंटेड लेग। अगर इंसेक्ट की बात करें तो क्या होता है इसमें? तीन पेयर ज्वाइंटेड लेग होता है। ये हो गया देखो, ये हो गया। ये जो इंसेक्ट होता है उसमें तीन पेयर ज्वाइंटेड लेग, ज्वाइंट मतलब जुड़ा हुआ, देखो ये ना, तो तीन पेयर ज्वाइंटेड लेग, एक दो तीन चार पांच छह, इसलिए इसको रखा गया हेक्सापोडम। क्या बोल गए? हेक्सापोडम। फिर तीन पेयर ज्वाइंटेड लेग होता है, क्या मतलब? इसका मतलब ये जो इंसेक्ट होता है रिकॉग्नाइज कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासिफाइड एंड दस वर गिवन ए रैंक और कैटेगरी। इसके बेस पे इसकी रैंक या कैटेगरी रख दी जाती है। जैसे हमने बताया कि इसको जो इसको डिवाइड किया गया कि किसमें? हेक्सापोडा में। किसमें? हेक्सापोडा में, क्योंकि ये एक इंसेक्ट है, इसको रख देंगे इंसेक्टा में। क्लास क्या होगा इसका? इंसेक्टा। तो इसी के बेस पे इसका नाम, इंसेक्ट है, हेक्सापोडा है, छह पैर, इसलिए हेक्सापोडा, और क्लास रख दिया इंसेक्टा। आगे देखो, कह रहे कि कैन यू नेम अदर सच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, रिमेंबर ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी, कैटेगरी फर्दर डिनोट रैंक, ईच रैंक और टैक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट ए यूनिट ऑफ क्लास। में देख ही चुके हम लोग, जो रैंक होती है टैक्सान होता है, ठीक है, वो क्या होता है? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। इससे पहले ही बताया था कि रैंक हो, टैक्सान हो या कैटेगरी, क्या है वो? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। ठीक है, दिस टैक्सोनॉमिक ग्रुप और कैटेगरी आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल स्टेटस एंड नॉट मेरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट। मतलब क्या? देखो ये जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप होते हैं, ये जो कैटेगरी होता है डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज, ठीक है, अब कहने कि यहाँ पे आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेरली मॉर्फोलॉजिकल, कह रहे इसमें जो मॉर्फोलॉजिकल चीजें ही नहीं होती है, बायोलॉजिकल एंटिटीज भी होती है। बस मैं कुछ जो कैटेगरीज होते हैं उसमें डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज होते हैं, ना कि सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट। मतलब क्या है इसका समझो, जैसे किसी प्लांट को आपने ऊपर से देख लिया, जैसे प्लांट ले आए और हल्का सा पत्ती दिखाया आपको, ये देखो बताओ कौन सा प्लांट है, तो नहीं बता पाओगे। आधी पत्ती दिखाया जाए आप तो पत्ती देख बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। ठीक है, हो सकता है पत्ती कुछ और बताओ, निकले कुछ और। ठीक, तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि ये सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट पे बेस नहीं होता है, बाहर जो दिखता है उसके बेस पे डिपेंड अगर नहीं होता है, बल्कि ये भी दिखाया गया कि ये अंदर से कैसे हैं, अंदर से कैसे हैं।
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल इंटाइटीज। अंदर से आपने देखा यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, इंसेक्ट है, गाय है, भैंस है, जानवर है, क्या है, उस चीज को भी देखा जाता है। कुछ समझ में आया? ये नहीं कि सिर्फ आपने बाहर देखते, हो सकता है बाहर देखने में आप कुछ और देखे। रात में आपने देखा होगा एक जानवर होता है, उसको बोलते हैं हिंदी में लकड़बग्घा, ठीक है, शेर, हाइनिया, हाइना, है ना, देखा है? कुत्ते देखो, हाइना में देखो, कोई डिफरेंट लगेगा? एक ही जैसा लगता है ना, ठीक है, वो आपको एक ही जैसा लगेगा। तो उसको क्या देखो, तो आप देखो तो पता नहीं चल पाएगा ये कुत्ता है कि कुछ है, है ना। देखो तो वही कहने, जब आप उसको देखते हो तो बाहर से देखा आपने तो आपको एक ही नजर आए, लेकिन जब अंदर उसको देखा गया तो क्या होगा, बायोलॉजिकल एंटिटीज देखी गई उसके, वो दांत कैसे हैं, एक्टिविटीज कैसे हैं, सारी चीज जब देखी कि पा रही यार ये तो कुछ और है, जैसे कुत्ता समझ रहे कुछ और है, पास में कुछ, तो वैसे चीजें यहाँ पे हो जाती है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि जो कैटेगरीज होती हैं या जो रैंक होती है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट पे बेस्ड होती है, तो जो कि बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पास में कुछ, मॉर्फोलॉजिकल तो होती ही है, साथ साथ में बायोलॉजिकल एंटिटीज भी इंक्लूड होती है। जैसे पूछ सकता है कि जो कैटेगरीज हैव बायोलॉजिकल एंटिटीज, मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट, तीसरा दूसरा लिख दिया यहाँ पे बोथ, चौथा लिख दिया ओनली, ये नन लिख दिया, तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। ये बायोलॉजिकल एंटिटीज पे भी है, ठीक है, और मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट पे भी होते हैं, लिखा हुआ नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल, सिर्फ मॉर्फोलॉजी पे नहीं, बायोलॉजी पे भी, बायोलॉजिकल क्वांटिटी पे हुई है। और बायोलॉजिकल एंटिटीज का मतलब होता है उसके जो स्ट्रक्चर अंदर का, है ना, सेल है, टिश्यू लेवल है, या ऑर्गन लेवल है, सिस्टम लेवल है, कौन सा क्लास है, ये सारी चीजें भी डिपेंड करता है। अगर देखो यहाँ पे कहीं टैक्सोनॉमी स्टडीज ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरी सच एज, अब क्या क्या चीजें इसमें मिली, देखो किंगडम, क्या मिलेगा किंगडम, दूसरा क्या मिलेगा फाइलम या डिवीजन, फाइलम या डिवीजन, फाइलम किसके लिए, प्लांट के लिए कि एनिमल के लिए, एनिमल के लिए, फाइलम एनिमल के लिए और डिवीजन प्लांट के लिए, देखो डिवीजन किसके लिए, प्लांट के लिए, ये एक ही रैंक के टैक्सान है लेकिन अलग अलग चीजों के लिए अलग होते हैं। प्लांट के लिए फाइलम यूज करेंगे, डिवीजन डिवीजन, और एनिमल के लिए ठीक है, ओके समझ गए, ठीक है, चलो ये हो गया यहाँ पे। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, क्लास हो गया, है ना, ऑर्डर हो गया, और क्या हो गया, फैमिली हो गया, और क्या हो गया, जीनस हो गया, एंड स्पीसीज हो गया, ठीक है। ये सब कुछ कैटेगरी बताया गया, ये रैंक, ये सब जो बताया हमने, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, ये क्या है, कैटेगरी है, रैंक है कि टैक्सॉन है, तीनों है ये, ये क्या है, कैटेगरी, रैंक, टैक्सॉन। किंगडम क्या है, कैटेगरी, रैंक, टैक्सॉन, फाइलम क्या है, कैटेगरी, टैक्सॉन, डिवीजन क्या है, कैटेगरी, रैंक, तो सबके सब क्या है, कैटेगरी है या रैंक है या टैक्सॉन, तीनों है ये, देखो, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट लेवल के हैं, ठीक। देखो अब इस्तेमाल कोई स्कूल होता है, स्कूल में देखते हैं जितने बच्चे निकलते, कहते हैं सबके सब क्या है, स्टूडेंट है लेकिन अलग अलग क्लास के, स्टूडेंट है लेकिन अलग अलग क्लास के, वैसे यहाँ भी है। देखो इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट एनिमल किंगडम हैव स्पीसीज एज द लोवेस्ट कैटेगरी, ध्यान रखना, और इसमें सबसे लोवेस्ट कैटेगरी कौन सा है, देखो स्पीसीज, और हाइएस्ट, तो लोवेस्ट कैटेगरी है स्पीसीज, हाइएस्ट कैटेगरी है किंगडम, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ द प्लेस, अब देखो आगे चलते हैं, खैर पहले इतना देख लो यहाँ पे क्या क्या चीजें खास पर बताई हमने यहाँ पे, कि जो इंसेक्ट होते हैं उसमें क्या होते हैं, खास पर थ्री पेयर ज्वाइंटेड लेग होते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो क्या क्या होता है, देखो रैंक होती, टैक्सॉन होती है, कैटेगरी कह सकते हो, ठीक है। दूसरी बात हमने बताया कि जो कैटेगरीज होती है, रैंक होती है, टैक्सॉन होती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैटेगरी नहीं होते, बल्कि उसमें बायोलॉजिकल एंटिटीज भी इंक्लूड किया गया है। तो इसका मतलब कैटेगरी, रैंक या टैक्सॉन इंक्लूड बायोलॉजिकल एंटिटीज एज वेल एज मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट, बस में तो उसके बाद हम लोग कर रहे थे। दूसरी बात हमने बताया कि किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ये जो भी है क्या है, टैक्सॉन बोल सकते हो, रैंक बोल सकते हो या कैटेगरी बोल सकते हो, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट लेवल के हैं, ये कुछ बात आपको ध्यान रखना है। अब देखो आगे देखो, एग्जाम इन वेरियस कैटेगरीज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द नॉलेज ऑफ करेक्टर ऑफ इंडिविजुअल आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म,
दिस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। यहाँ देखो क्या लिखा, कह रहे कि जो बेसिक कैरेक्टर जो होता है दिस, इससे क्या फर्क पड़ता है, आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द अदर काइंड ऑफ, एक टर्म दिया है सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। आगे चल के हम आपको बताएंगे टैक्सोनॉमिकल ऐड में, ठीक है, और इसमें बहुत सारे टैक्सोनॉमिकल ऐड हैं, जैसे कि बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम, ठीक है, कीस, कैटलॉग, है ना, मोनोग्राफ, ये सब होते हैं ना। तो इसमें कह रहे हैं कि जो ये इसमें कीज होता है, कीज कैसा होता है, सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज पे बेस होता है, वो चीज यहाँ लिखी हुई है। कह रही अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड ऑफ एग्जाम एज वेल एज द अदर काइंड ऑफ। देखो यहाँ पे अब इसमें सबसे बताया कि सबसे बेसिक यूनिट की बात करेंगे, सबसे छोटी यूनिट की बात करेंगे, आपसे पूछा जाए सबसे बेसिक यूनिट कौन सी है, स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होगा, स्पीसीज, क्या बोलेंगे, स्पीसीज, ठीक है, और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारी स्पीसीज। देखो आगे, टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज ए स्पीसीज। मतलब इसमें आपस में क्या होगी, फंडामेंटल सिमिलरिटीज होती है। फंडामेंटल मतलब ये हो गया ऐसे कि दोनों के खाना खाने तरीका, रहने का, तो ऊपर आप देखो तो फंडामेंटल चीजें एक जैसी दिखेगी। जैसे आपने देखा मकोई का प्लांट, देख मकोई का देख लो और आलू को देख लो, मकोई आलू को देखोगे तो उसकी पत्तियां आपको जैसी एक जैसी लगेगी। अगर दोनों को पत्तियां रख दी जाए तो पहचान नहीं पाओ कौन सा आलू का कौन सा मकोई का है, उसमें कुछ उसके फ्लावर भी लगभग ब्लू कलर के होते दोनों के, है ना, तो भी आप पता नहीं कर पाओगे। भी कह रहे हैं यहाँ पे तो कह रहे फंडामेंटल सिमिलरिटीज सेम होती है, ठीक है। तो अगर आप बात करें कि स्पीसीज में, तो स्पीसीज में क्या बताओगे कि दो स्पीसीज को हम लोग एक ही उसमें तब मानेंगे जब उनकी फंडामेंटल सिमिलरिटीज क्या हो, सेम हो। बस में तो फंडामेंटल सिमिलरिटीज होती है उसको रखा गया स्पीसीज में, तो ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज हो, ठीक है, उसको बोलेंगे स्पीसीज। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टेंट मार्फोलॉजिकल डिफरेंस। देखो यहाँ पे डिस्टेंस मार्फोलॉजिकल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, उसमें जो मार्फोलॉजिकल काफी डिफरेंस होते हैं, तो एक स्पीसीज को दूसरे स्पीसीज से अलग कर सकते हो। जैसे आप अमरूद को देखो और आम को देखो, अमरूद अलग स्पीसीज है, आम अलग स्पीसीज है, बस में कुछ चने को देखो और मटर को देखो, है ना, दोनों अलग स्पीसीज। यहाँ देखो लेट अस कंसीडर मैंगीफेरा इंडिका, अगर हम मैंगीफेरा इंडिका की बात करें, ठीक है, सोलेनम क्या है, देखो ट्यूबरेसम की बात करें, सोलेनम ट्यूबरेसम क्या है, पोटैटो, क्या है, पोटैटो, पोटैटो में क्रोमोसोम नंबर कितना बताया था, पोटैटो में क्रोमोसोम नंबर 48, 48, है ना। तो कहने की जो मैंगीफेरा इंडिका देखो, सोलेनम ट्यूबरेसम देखो यानी कि पोटैटो, और क्या देखो, पैंथरा लियो देखो, पैंथरा लियो क्या है, लायन है, और सोलेनम ट्यूबरेसम क्या है, पोटैटो है, और मैंगीफेरा इंडिका क्या है, आम है, मैंगो है, है कि नहीं। यहाँ की बात करें, करें ऑल द थ्री नेम्स इंडिका, ठीक है, और क्या है, ट्यूबरेसम, और क्या दिया है, लियो, क्या रिप्रेजेंट करता है ये, स्पेसिफिक एपिथेट, इसको स्पेसिफिक एपिथेट बोल सकते हैं या स्पीसीज बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, स्पीसीज बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, स्पीसीज बोल सकते हैं, ठीक है, मैं देखो यहाँ पे तो कह रहे हैं कि रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट व्हाइल द फर्स्ट वर्ड, यहाँ देखो मैंगीफेरा की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मैंगीफेरा, क्या देखो मैंगीफेरा क्या है, बताओ जीनस, क्या है, जीनस, सोलेनम क्या है, जीनस, पैंथरा क्या है, जीनस, ठीक है, और ट्यूबरेसम की बात करें, लियो की बात करें, ये क्या है, स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट। यहाँ देखो कह रहे हैं कि पैंथरा आर जेनरा एंड रिप्रेजेंट अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सोन और कैटेगरी, पास में आगे ध्यान देखो, तो ये कुछ बात हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसके बाद देखो आगे, तो ये हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे स्पेसिफिक एपिथेट के। अब देखो तो स्पीसीज में बात करें कि फंडामेंटल सिमिलरिटीज पे बेस्ड होता है, किस पे होता है, फंडामेंटल सिमिलरिटीज पे बेस्ड होता है, कौन, स्पीसीज, इसको कुछ ध्यान रखिएगा। यहाँ देखो ठीक है, यहाँ कुछ बात कर रहे हैं आप, कह रहे हैं कि जेनरा रिप्रेजेंट द अनदर हाई लेवल ऑफ टैक्सन,
ई जीनस में हैव वन आर मोर, देखो ईच जीनस में हैव वन आर मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट, सही बात है, जीनस एक हो स्पेसीज बहुत सारे हो, क्या ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है कि नहीं? जीनस एक हो स्पेसीज बहुत सारे हो, ऐसा पॉसिबल है क्या? क्या एक जीनस के एक ही स्पेसीज होता है, क्या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं? हो सकता है, हो सकता है, बोलो। आप भी परसों नहीं थे ना, हमने परसों नहीं आए थे ना, आए थे आप, बोलो हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते भाई? तुलनम टुबेरेसम तुलनम मिलांजना, क्या है ये? जीनस सेम लेकिन स्पीसीज अलग अलग, पैंथरा लियो लायन, पैंथरा टिग्रिस टाइगर, पैंथरा पर्डस लिपर्ड, पैंथरा तीनों मार है तो तीनों की जीनस क्या है लेकिन स्पीसीज बिल्कुल हो सकता है, तो लिखा हुआ देखो, ई जीनस में है वन आर मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट, एक जीनस के एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज हो सकते हैं, देखो यहाँ पे रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज, लेकिन क्यों मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज होते हैं, मतलब बाहर से दिखने में कुछ आपको एक जैसा लगेगा, जैसे बिल्ली और कुत्ते देखो लगभग एक जैसा कुछ दिखेगा, टाइगर को देखो बिल्ली को देखो लायन को देखो सामने चेहरा देखो तो बिल्कुल कुछ एक जैसा लगेगा, ध्यान रखना किसके बेस पे है ये, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज के बेस पे है। बस में इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जिनमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज मिलती है तो उनको एक ही जीनस के अंदर रख देते हैं, बस में किसके बेस पे ये मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज, बाकी देखो कुछ चीजों में अलग अलग नजर आएगी, ठीक है। आप देखो अब इसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे, तो कह रहे हैं कि एक जीनस के एक ज्यादा स्पीसीज भी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे पैंथरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट, क्या क्या देखो यहाँ पे, जैसे टाइगर एंड सोलेनम इंक्लूड स्पीसीज लाइक नाइग्रम है और मिलांजना है, सोलेनम मिलांजना क्या है, बैगन, बैगन खाया है, देखा तो होगा ये, नहीं खाया वो देखा तो होगा ये, देखो कह रहे हैं मिलांजना नहीं बैगन है, सोलेनम टुबेरेसम क्या है, आलू, ठीक है, और सोलेनम नाइग्रम क्या है, मकोय, क्या है, मकोय, ठीक, देखो यहाँ पे मकोय होता है। अब कह रहे हैं कि एंड मिलांजना, ह्यूमन की बात करें बिलोंग टू द स्पीसीज सेपियंस, ह्यूमन का स्पीसीज क्या होता है, सेपियंस प्रोनाम होता है होमो सेपियंस, क्या, होमो सेपियंस, यहाँ देखो विच इज ग्रुप इन द जीनस होमो, उसको होमो जीनस में रखा गया है, द साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बींग क्या नाम हो जाएगा, होमो सेपियंस, क्या हो जाएगा, होमो सेपियंस, देखो होमो क्या है, सेपियंस क्या है, कुछ माया, तो क्या बताना चाह रहे हैं कि एक जीनस के एक स्पीसीज होंगे, एक जीनस के एक ज्यादा भी स्पीसीज हो सकते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि जीनस भी सेम हो और स्पीसीज भी सेम हो, एक ही आगजम का जीनस भी सेम हो स्पीसीज भी सेम हो एक ही नाम हो सकता है, जैसे नाम बताओ, पता था अब कहाँ गायब हो गया, बताओ मास होता है, हो सकता है नहीं हो सकता है, हो सकता है, नाम बताओ, जैसे बताओ आलमीन कोई नाम बताओ, इसकी स्पीसीज सब स्पीसीज चेंज सकती है, जैसे सब स्पीसीज की बात करें वो आपके सिलेबस में नहीं है, जैसे हम अपनी बात करें हम लोग क्या है, हम लोग होमो सेपियंस, सेपियंस पूरा नाम क्या है, होमो सेपियंस, तो जो सेपियंस लिखा गया वो सब स्पीसीज है, होमो सेपियंस सेपियंस, होमो सेपियंस फ्यूचरलिस, सब स्पीसीज चेंज हो सकता है लेकिन स्पीसीज सेम रहेगा, बस में कुछ, जैसे यहाँ पे होमो सेपियंस लिखा गया है, ठीक है, दूसरा भी होगा तो उसमें होमो सेपियंस लिखेंगे, ठीक है, लेकिन सब स्पीसीज बदल सकता है, हमने क्या बोला, इसका जीनस भी सेम हो और जिसका स्पीसीज भी सेम हो, कुछ बच्चे बता रहे हैं यहाँ पे, हाँ देखो बता दिया, नाजा नाजा देखो आ गया ना, नाजा 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 है ना, नाजा नाजा, तो नाजा क्या है, जीनस, दूसरा नाजा क्या है, स्पीसीज, ठीक है, और क्या क्या है बताओ, क्या नाम है, ज्ञानेन, ज्ञानेन और देवेन दोनों लोग बताओ, कोबरा है, कोबरा है, किंग कोबरा, ठीक है, और बताओ ज्ञानेन, नाजा नाजा, कतला कतला, चन्ना चन्ना, है ना, ये सब क्या है, ये सब कतला कतला जो मछली होती है ना, ये सब इसको बोलते हैं टाटोनेम, क्या बोलते हैं, टाटोनेम, इसको नोट कर लो,
ना जा। पतला। इनके जीन भी सेम और स्थिति भी सेम, ठीक है, जीनस भी सेम और स्पीसीज भी सेम। कतला मछली है और क्या? नहीं, सारे फिश नहीं होते, सबके नहीं होते। ऐसे लेबियो रोहूटा, जो रोहू होता है, रोहू उसका नाम है लेबियो रोहूटा, कहाँ है, अलग अलग है, सबके नहीं होते, कुछ के होते हैं। तो नाजा नाजा, अगर जीनस भी सेम स्पीसीज सेम, जीनस भी दोनों सेम हो जाए, उसको बोलते हैं टाटोनिम, ठीक है। ऐसे नाजा नाजा, कतला कतला, चन्ना चन्ना, है ना, सौर होता है उसको चन्ना बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें यहाँ पे है, दोनों भी सेम हो सकते हैं। यहाँ बताया कि एक जीनस के मतलब अलग अलग स्पीसीज के भी सेम जीनस हो सकते हैं। वैसे बताया कि कुछ स्पीसीज ऐसे भी हैं जिनके जीनस स्पीसीज दोनों सेम हो सकता है ना, तो ये इसको बोलते हैं टाटोनिम, नाम रखते हैं टाटोनिम, ठीक है। जैसे जो मुर्गा होता है उसको बोलते हैं गैलस गैलस, ठीक है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, गैलस गैलस, इंडियन फाउल, गैलस गैलस हो गया। तो कुल मिला के जो स्पीसीज होती है उसमें क्या बताया हमने, फंडामेंटल सिमिलरिटीज सेम होती है, ठीक है। फंडामेंटल मतलब आपको देखने में बिल्कुल कुछ चीजें लगभग सेम जैसे मिलेगी। तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे टाटोनिम्स। अब देखो यहाँ पे हो गया, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, कोई ऐसा टैक्सन बताओ जिसमें फंडामेंटल सिमिलरिटी सेम होती है, दैट इज स्पीसीज। क्या बोलेंगे? स्पीसीज। तो स्पीसीज में फंडामेंटल सिमिलरिटी सेम होती है। दूसरी बात, ये मार्फोलॉजी भी बेस्ड होती है। किससे बेस्ड होती है? मार्फोलॉजी पे। ये चीज़ है, फंडामेंटल सिमिलरिटी सेम और मार्फोलॉजी डिफरेंस पे बेस्ड होता है, कौन? स्पीसीज, ठीक है। बाकी जो नाम रखे हैं, नाम रखते हैं, अभी सारे नाम हम एक साथ करा देंगे आपको, ठीक है। ये खत्म हो गया, कौन सा हमारा पहला फंडामेंटल यूनिट थी, सबसे बेसिक थी, सबसे छोटी थी, कौन सी? छोटी मोटी प्यारी सी स्पीसीज, हो गई खत्म। अब आते हैं आगे, अगला हमारे पास देखो क्या है, जीनस। जीनस स्पीसीज अगर सेम हो जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ, उसको बोलेंगे हम लोग टाटोनिम। क्या बोलेंगे? टाटोनिम। देखो यहाँ पे जीनस की बात कर रहे हैं, फिर जीनस कंप्राइजेस ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज होंगे तो उनको हम लोग बोलेंगे क्या? जीनस, ठीक है। कह रहे विच हैज मोर कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जीनस, कह रहे इसमें सिमिलरिटीज काफी ज्यादा कॉमन होती है। वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, जेनरा होता है ये एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, यानी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को हम लोग एक ही जेनरा में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पोटैटो की बात कर रहे हैं, पोटैटो एंड ब्रिंजल ये क्या है? आर टू डिफरेंट स्पीसीज बट बोथ बिलोंग टू द जीनस सोलेनम, इनको एक ही जीनस में रखा गया है। किसको? पोटैटो और ब्रिंजल को। पोटैटो बोलेंगे सोलेनम ट्यूबरसम और ब्रिंजल को सोलेनम मिलांजना। क्या बोलेंगे? मिलांजना, बैगन, है ना। देखो ये कह रहे हैं कि आर टू डिफरेंट स्पीसीज बट बोथ बिलोंग टू द जीनस सोलेनम। लायन की बात करें, देखो पैंथरा लियो लिपर्ड, पैंथरा पर्डस, टाइगर पैंथरा टिग्रिस, ठीक है। तो पैंथरा पर्डस, पैंथरा टिग्रिस, ठीक है, विद सेवरल कॉमन फीचर आर ऑल स्पीसीज ऑफ द जीनस पैंथरा। इन सब के जीनस कौन है? देखो पैंथरा, टाइगर की है कि लिपर्ड की है कि लायन की है? तीनों की है, लायन टाइगर लिपर्ड, तीनों के स्पीसीज क्या है? हाँ, पैंथरा, ठीक है, क्या है? पैंथरा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप कहें दिस जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस, जैसे फेलिस की बात करें, विच इंक्लूड कैट, फेलिस क्या है? कैट। तो फेलिस जो होता है कैट होती है, पूरा नाम क्या? देखो फेलिस डोमेस्टिक, बिल्ली कहाँ रहती है? जंगल में, घर में रहती है ना, इसलिए नाम रखा गया डोमेस्टिकस, फेलिस डोमेस्टिकस। ये क्या है? कैट, टी ए टी, कैट मीन्स बिल्ली, है ना। काफी हार्ड क्वेश्चन हो गया ये, देखो देखो तो नाम क्या है? फेलिस डोमेस्टिकस, किसका नाम है? बिल्ली का। क्लियर हो गया? तो ये कुछ बातें हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, जीनस हमारा खत्म हो गया। इंपॉर्टेंट चीज क्या? देखो जीनस में जो रिलेटेड स्पीसीज होते हैं उनको रखा गया है, दूसरी बात, ठीक, ये क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को एक साथ रखा गया, किसमें? जीनस में, ठीक है। सुधा रखिएगा, बाकी हमने सारी चीज बता दी इसमें कि नाम क्या क्या है, पैंथरा लियो लायन का, पैंथरा पर्डस लिपर्ड का, पैंथरा टिग्रिस टाइगर का, है ना,
ये कुछ बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं। और बिल्ली का क्या है? फेलिस डोमेस्टिकस, फेलिस डोमेस्टिकस, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखो तो देखो, अगला हमारे पास है फैमिली, और फैमिली जो है जानते ही हो काफी इंपॉर्टेंट है। फैमिली में क्या देखो, द नेक्स्ट कैटेगरी इज फैमिली हैज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। मतलब ये कहने मतलब है, जैसे हम स्पीसीज की बात करें तो ये फंडामेंटल करेक्टर पे बेस्ड होता है ना, और हमने जब जीनस पढ़ा तो कहने डिफरेंट सिमिलर टाइप के स्पीसीज को एक जेनरा रख दिया, अब क्या पढ़ेंगे सिमिलर टाइप के जेनरा को एक फैमिली रख दिया, फिर क्या पढ़ेंगे सिमिलर टाइप के फैमिली को एक क्लास में रख दिया, सिमिलर टाइप क्लास में एक ऑर्डर रख दिया, इससे चीजें पढ़ती जाएगी। देखो यहाँ पे ग्रुप ऑफ जेनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कम्पेयर टू द जीनस, और जैसे हम लोग हायर उस पर चलते जाएंगे सिमिलरिटीज कम होती जाएगी। देखो फैमिलीज आर कैटराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटिव एंड, यहाँ देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, फैमिलीज को कैटराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटिव करेक्टर पे और रिप्रोडक्टिव फीचर पे, दोनों चीजों पर बेस किया गया है। फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज, तो फैमिली को वेजिटिव पे भी और रिप्रोडक्टिव फीचर दोनों बेस किया गया। क्या मतलब, देखो जो प्लांट आप देखते हो, प्लांट में फ्लावर को छोड़ के, प्लांट में फ्लावर को छोड़ के जो कुछ भी बचता है वो क्या होता है, क्या होता है उसमें कुछ, और फ्लावर किस में आ गया, फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, चाहे वो एंडोस्टियम हो चाहे गायनोस्टियम हो, उसमें कुछ ये चीज ध्यान रखें इसमें, ठीक है। तो ये वेजिटिव पेड़ पे देखा गया और साथ में उसके फ्लावर पे बेस होता है, तो वेजिटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों फीचर बेस होता है, कौन फैमिली है, हॉटस्पॉट है, पूछा जाएगा ये, ठीक है, नोट कर लो इसको, ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इस बार आने वाले एग्जाम में ये पूछ सकते हैं। जहां पे हॉटस्पॉट देंगे मतलब इंपॉर्टेंट होगा, वो आने वाला है क्वेश्चन, मोस्ट सस्पेक्टेड होगा वो, ठीक है। इसी के बाद अभी हम और पढ़ाएंगे जो ऑर्डर होगा पॉलीमोनियल, उसमें सिर्फ क्या मिलेगा रिप्रोडक्टिव, तो कंफ्यूज आओगे वहां से, वहां पढ़ोगे तो यहाँ कंफ्यूज, यहाँ पढ़ोगे तो वहां कंफ्यूज, ठीक है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, नहीं देखो है कि नहीं, तो कंफ्यूजन कुछ नहीं होगा, सब चीज क्लियर है। तो फैमिली की बात करें तो फैमिली में जो वेजिटेटिव भी होगा और बोलो रिप्रोडक्टिव भी होगा, प्लांट में फ्लावर को छोड़ के जो कुछ भी होता है, रूट स्टेम लीफ कैसे होते हैं ये, और वेजिटेटिव, और फ्लावर क्या है रिप्रोडक्टिव, सुनाया कुछ, ध्यान रखिएगा। आगे देखो कह रहे हैं ऑफ प्लांट स्पीसी अमंग प्लांट फॉर एग्जांपल थ्री डिस्टिंक्ट जेनरा सुलेनम, यहाँ देखो सुलेनम की बात करें यहाँ पे, ठीक है, कह रहे हैं कि सुलेनम क्या है, सुलेनम क्या है जीनस है, क्या है जीनस है, पिटूनिया क्या है, दतूरा क्या है, ध्यान रहे दतूरा क्या है जीनस, पिटूनिया क्या है जीनस, क्या है जीनस, ये सब के सब क्या है जीनस है, तो दतूरा भी जीनस, पिटूनिया भी जीनस और सुरेनम में जीनस, सुरेनम याद रहेगा, ये याद नहीं रहता है कि पिटूनिया होता है, ठीक है, पिटूनिया का प्लांट बहुत खतरनाक होता है, कभी देखा आपने पिटूनिया, पिटूनिया को हिंदी में पेटुआ बोलते हैं, पेटुआ, और इसका जो होता है आपने हाँ बिल्कुल, तो उसमें क्या होता है कि इसके जो रूट्स होते हैं ना सीड वगैरह, इसमें कुछ केमिकल होता है, और केमिकल ऐसे खुजली करने वाले, वहाँ से उठा के हल्का से डाल दिया फिर देखो खुजली कहाँ कहाँ होती है ना, ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर, ये पिटूनिया की बात, दतूरा के बारे में बताएंगे आगे चल के जब आप पढ़ाएंगे ह्यूमन वेलफेयर में, ठीक है, वहाँ बताएंगे दतूरा खा के लोग कैसे टकराते हैं, जैसे आज टकरा रही लड़की है, घूम रहे घूमी घूमी कर रहे, देखो उधर दतूरा की बात करें यहाँ पे, है ना, देखो तो दतूरा क्या है बताओ, जीनस की स्पीसीज, पिटूनिया क्या है, सुरेनम क्या है, ये तीनों क्या है, आप देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि पिटूनिया दतूरा और सुरेनम ये क्या है जीनस है, प्लेस इन द फैमिली सोलेनेसी, इनकी फैमिली क्या है, जीनस क्या है सोलेनम और दतूरा, तो सोलेनम पिटूनिया दतूरा इनको किस फैमिली रखा गया है, सोलेनेसी में, कहाँ पे सोलेनेसी में, ठीक है, ये कुछ बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कैट का नाम क्या बताया हमने, फेलिस डोमेस्टिकस, क्या बोलेंगे फेलिस
डोमेस्टिकस है ना, इसका नाम होगा फेलिस डोमेस्टिकस, आप ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो ये कुछ बात है ध्यान रखिएगा। तो जीनस में किस पे स्पेस है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज में, किसमें आएंगे, जीनस में, ठीक है। अब दूसरा देखो यहाँ पे, इसके बाद फैमिली हमने आया, फैमिली में इंपॉर्टेंट चीज है, किस पे बेस्ड है ये, वेजिटेटिव पे कि रिप्रोडक्टिव पे, वेजिटेटिव पे कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे, दोनों पे, किस पे, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर पे भी है और रिप्रोडक्टिव फीचर पे भी बेस्ड होता है, कौन, फैमिली, कौन, फैमिली। तो एक लाइन जो सबसे इंपॉर्टेंट ये जिसमें हमने टिक किया, ये आ सकता है, ठीक है इस बार। और दूसरा हमने बताया यहाँ पे कि जो सोलेनम, पिटूनिया, दतूरा, ये सब क्या है, जीनस है कि जनरा है, दोनों है, क्या है, दोनों है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, फैमिली में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो मुझे लग रहा है इस बार 100% आना चाहिए इससे, है देखो, हाँ देखो। तो ये हो गया यहाँ पे, इसके बाद देखो, इसके बाद देखो दिखाया गया यहाँ पे कि लायन, टाइगर, लीपर्ड इज पुट अलोंग द विद जीनस, क्या नाम है इसका, देखो जीनस क्या था इसका, पैंथरा, यहाँ देखो जीनस पैंथरा कंप्राइजेस, पैंथरा में क्या आता है बताओ, लायन, और क्या आता है, टाइगर, और क्या आता है, लीपर्ड, यहाँ देखो विद जीनस। अब यहाँ तो क्या करें, यहाँ पे फेलिस की बात करें, फेलिस मतलब कैट, इन द फैमिली फेलिडी, ठीक है। तो जो कैट होती है उसकी फैमिली कौन सी है, कैट की फैमिली, कैट का जीनस फेलिस, तो कैट की फैमिली फेलिडी है और जीनस क्या है, फेलिस, ठीक है। और अगर हम बात करें लायन का जीनस क्या है, टाइगर का जीनस, लीपर्ड का जीनस, उसमें पैंथरा, ठीक है। चलो आगे देखो, सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ कैट एंड डॉग, अगर कैट और बिल्ली और कुत्ते को देखो कितनी दोस्ती होती है दोनों में, मजा आ ले कि एक सामने दूसरा आ जाए ना, यही दोस्ती, कुत्ता खड़ा है तो बिल्ली की मजाल नहीं कि दस निकलते के बाहर यूं देखती रहती, बिल्ली तभी देखा इसे, वो क्या देखती रहती है, बिल्ली आयन को नहीं देखती रहती, वो कुत्ते देखती रहती है, नहीं कुत्ता तो नहीं खड़ा हुआ है, जैसे जैसे तुमने देखी तुरंत भागेगी यूं फटाक से, और कुत्ता भी नजर रहता है वो भी दौड़ा लेता है, करता कुछ नहीं है बस दौड़ा लेता है, छेड़ता है। देखो यहाँ पे हम लोग कहते हैं यहाँ पे तो कुत्ते और बिल्ली की बात करें, यू विल फाइंड सम सिमिलरिटी, दोनों सिमिलरिटी क्या है एंड सम डिफरेंस एज वेल, क्या क्या सिमिलरिटी बताओ कुत्ते और बिल्ली में, दोनों दोनों नॉनवेज खा लेते हैं है ना, नॉनवेज मिलेगा तो खा लेंगे दोनों लोग, ठीक है, शौकीन होते हैं। खैर देखो, दे आर सेपरेटेड इनटू द टू डिफरेंट फैमिलीज, फेलिडी एंड कैनेडी, बिल्ली की फैमिली क्या है, डॉग की फैमिली क्या है, ये डॉग की फैमिली है कुत्ते का, कुत्ते का नाम क्या है, कुत्ते का नाम कुत्ता है, यहाँ देखो कुत्ते का यानी कि डॉग की बात करें, डी ओ जी, डी ओ जी साहब, देखो इसको बोलते हैं कैनिस, बहुत फेमस है ये कैनिस फैमिली, परसों एक पेशेंट आया था, वो का जो बंदर ने काटा था और ऐसा काटा था यू पूरा ऐसे, मतलब नखून पूरा घुसुट गया, पूरा काट दिया था, बहुत तेज काटा था, मतलब ऐसे बदतमीज बंदर हो गया, मतलब खरोचना समझ में आता है, पूरा दबोच लिया अंदर, ऐसे लग रहा किसी ने चाकू से काटा हो, बहुत गंदे तरीके से, नगर निगम वाले सुन रहे हैं तो बंदर अंदर पकड़ ले जाए, बहुत से लोग काट रहे हैं ना बंदर कुत्ते बहुत। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि तो अगर हम बात करें डॉग, डॉग का बताओ नाम क्या है, कैनिस फैमिलीज, और डॉग की फैमिली कौन है, कैनेडी, कैनेडी आया है कैनाइन से, उनके दांत होते हैं कैनाइन, सामने होते हैं टीयरिंग और स्टीयरिंग वाले, क्या है दांत कैनाइन, वहीं से आया है यहाँ पे कैनेडी, और नाम होगा कैनिस फैमिलीज, उसमें कितने किसका, कुत्ते का, और बिल्ली का, बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिकस, क्या है फेलिस डोमेस्टिकस, बात समझ कुछ। अब देखो यहाँ पे ये जो फेलिडी फैमिली बताया हमने, फेलिडी सिर्फ बिल्ली का है किसी और का भी है फैमिली, पैंथरा का भी है, राइट, ये टाइगर का भी है, ये लेपर्ड का भी है, ये लायन का भी है, क्या फैमिली, कौन फेलिडी, तो फेलिडी सिर्फ बिल्ली की नहीं है, फेलिडी जो है लायन की, टाइगर की, लेपर्ड की, इनकी भी फैमिली है, कौन फेलिडी, क्वेश्चन आया नहीं आया, उड़ गया, समझ गए, ध्यान रखना। इसका मतलब हम अगर बात करें कि यहाँ पे फैमिली लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, अभी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो नोट कर लिया, इसमें पैंथरा क्या होगा, जीनस,
ठीक है, किसका, लायन का, टाइगर का, लिपर्ड का। और फेलिस क्या है, ये भी क्या है, जीनस है ना, किसका, कैट का। इसकी कैट की फैमिली क्या है, फेलिडी है ना, तो ये कुछ बात ध्यान रखिएगा। और साथ साथ डॉग की बात करें, उसकी फैमिली कौन है, कैनिडी, ठीक है। हमें मिल गया इतना सा जगह नोट बनाने के लिए। देखो मैं इसको बताता हूँ आपको, देखो सबसे पहले हमने लिखा फैमिली, फैमिली फैमिली कौन से लिखा हमने, जैसे मान लो कौन से लिख दूं पहले मैं, फेलिडी, फेलिडी ठीक है। और यहां देखो जीनस, जीनस बताओ, फेलिस, और बताओ, और बताओ पैंथरा, क्या लिखोगे, पैंथरा, और किसी का है, है? नहीं नहीं उसमें नहीं, हाँ इसमें फैमिली दो कैनेडी, ठीक। यहां देखो पहले फिलिस देखो, फिलिस जीनस है, स्पेसिफिक देखो, जैसे फिलिस डोमेस्टिकस, ठीक है, फेलिस डोमेस्टिकस कौन है, ये बिल्ली है, कौन है, बिल्ली। पैंथरा देखो, पैंथरा लियो, पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा दो, पैंथरा पर्डस, क्या है, लिपर्ड, लियो टिग्रिस और पर्डस, क्लियर है। और कैनेडी की बात करेंगे तो बताओ, जीनस बताओ, कैनिस, कैनिस, स्पीसीज क्या है, कैनिस, हाँ फेमिलेरिस, क्लियर, कैनिस फेमिलेरिस हो गया। और देखो उसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बहुत लाइट दिख रहा है इसमें, तो दिख रहा है, खैर है? कोई बात नहीं है, देखो और बताओ जरा, बात करें सोलेनेसी, क्या सोलेनेसी, 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 देखो सोलेनेसी में जीनस बताओ, सोलेनम, पिटूनिया भी है क्या, पिटूनिया, दतूरा भी है क्या, दतूरा, तो सोयनाम पिटूनिया दतूरा क्या है, ये जीनस है, क्या है, जीनस, ठीक है, क्या है, जीनस है, ओके। यहाँ देखो तो कैनिस हो गए, सोयनाम हो गए, पिटूनिया दतूरा, यहाँ देखो सोलेनम फैमिली बताओ, मिलांजना, सोलेनम मिलांजेना और नाइग्राम, और बताओ टूबेरसम, ठीक है बस हो गया। सोलेनम में कौन कौन, देखो मिलांजेना, नाइग्राम और कौन हो गया, टूबेरसम, हो गया। फैमिली के इधर बटन क्या मिलेगा, ऑर्डर ना, क्यों, ऑर्डर की क्लॉज, ऑर्डर आया कुछ, कौन सा ऑर्डर, ठीक है। और ऑर्डर में यहाँ पे तो सुनने से लिखा हुआ है, एक ऑर्डर है तो बोलते हैं पॉलीमोनियल, क्या पॉलीमोनियल, यही बता देते हैं पॉलीमोनियल, पॉलीमोनियल्स में दो फैमिली है, पॉलीमोनियल्स में दो फैमिली है, कन्वोल्वुलेसी,
तो सोनेसी और कॉन्वोल्यूशन मिला कहाँ रखा गया है? पॉलीमोनियल्स में, याद रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ वेसिटी और फ्लोरल। किस बेस पे? वेसिटी की फ्लोरल। हाँ बताओ ज्ञानेन, देख रहे हो तुम वहां से बैठे बैठे लेटे लेटे, बढ़िया राजा तरह देख रहे हैं लोग, है ना, बढ़िया से बेड पे, बढ़िया, ये क्या बढ़िया, ठीक है। हाँ देखो, तो सोनेसी और कॉन्वोल्यूशन, है ना, सोनेसी और कॉन्वोल्यूशन, इसको रखा किसमें? पॉलीमोनियल्स। पॉलीमोनियल्स क्या बच्चे? ऑर्डर है, ठीक है, क्या है? ऑर्डर। फिर से देख लो, एक फैमिली सबसे पहले हमने बताया यहां पे, देखो ध्यान से, पेलिडी। फैमिली क्या है? पेलिडी। पेलिडी में कौन कौन से जीनस रखे हैं हमने? पेलिस रखा है क्या? पैंथर रखा है क्या? ठीक है, और इधर क्या देखो, कैनस, ठीक है, और क्या है? सोलेनम, और क्या है? पिटूनिया, और क्या है? दतूरा। तो चाहे दतूरा बोले, पिटूनिया बोले, सोलेनम बोले, कैनिस बोले, पैंथरा बोले, पेलिस, सबके सब है क्या? यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ स्पीसीज, स्पीसीज में क्या देखो? डोमेस्टिकम, डोमेस्टिकस। पैंथरा में क्या देखो? लियो, टिग्रिस और पर्डस, फेमलेरिस, मिलानजेना, नाइग्राम और ट्यूबरिसम, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। लियो हो गया, टिग्रिस हो गया, पर्डस हो गया, ठीक। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, अगली फैमिली क्या है? कैनेडी, कैनिस है, ठीक है, कैनिस क्या हो जाएगा? कैनेडी, है ना। अच्छा, डॉग की एक ही फैमिली है ना, देखो ये सिर्फ डॉग की फैमिली है, और कैट में आप देखो क्या क्या चीजें आ गई, देखो फेलिडी में क्या क्या आया, देखो लियो भी आया, बिल्ली भी आई और टाइगर, क्यों? फेलिस डोमेस्टिकस क्या था ये? कैट ना, लियो क्या था? लायन। टिग्रिस क्या था? टाइगर। पर्डस मतलब लीपर्ड, लीपर्ड, लायन, कैट और ये सारी चीजें, ठीक है। और मिलानजेना क्या था? बैगन। बैगन क्या बोलते हैं? ब्रिंजल, ब्रिंजल। नायग्राम क्या है? मकोए। टूबरिसम क्या है? आलू, आलू लिख दें, पोटैटो, पोटैटो, ठीक है, बाकी तो आप जानते हो। समझ गए कुछ? समझ गए? फिर से देखो, ऑर्डर को, ऑर्डर देखो मैंने दिखा है पॉलीमोनियल, इस पॉलीमोनियल्स में सोनेसी भी रखा है और कॉन्वोल्यूशन रखा है, सोनेसी और कॉन्वोल्यूशन दोनों रखा गया है ऑन द बेसिस ऑफ ओनली फ्लोरल करेक्टर। कौन सा करेक्टर? कौन सा करेक्टर? फ्लोरल करेक्टर। कौन सा? फ्लोरल करेक्टर। तो पॉलीमोनियल्स में सोनेसी और कॉन्वोल्यूशन दोनों को मिला के रखा गया ऑन द बेसिस ऑफ ओनली फ्लोरल करेक्टर, ये आगे आएगा। लेकिन जो हमने अभी लिखा फैमिली में, ये वेजिटेटिव भी है और फ्लोरल करेक्टर दोनों पे बेस्ड है। तो फैमिली दोनों बेस्ड है, जबकि ऑर्डर जो है सिर्फ और सिर्फ फ्लोरल करेक्टर पे। कुछ समझ में आया? ये आगे आएगा, ठीक है, पहले बता दिया है लेकिन आएगा आगे, ठीक। माया कुछ कोई दिक्कत तो नहीं? अब आ जाओ आगे। तो अगर आपसे पूछे सोनम क्या है तो क्या बताओगे? फैमिली है कि स्पीसीज है? जीनस है। क्या है? धोखा खा गए, देखो यहाँ पे ऑप्शन नहीं देखा इसमें, हो गया खत्म। अब आते हैं ऑर्डर पे, जाओ ऑर्डर उधर, देखो तो क्या करें, आप देखो हम बात करें ऑर्डर की, कह रहे हैं कि यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीसीज, जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर करेक्टर, ठीक है। क्या कर दो वहां पे, कह रहे हैं कि स्पीसीज की बात करें, जीनस की बात करें और फैमिलीज की बात करें। स्पीसीज, जीनस और फैमिलीज एक किस चीज से बेस्ड थे? सिमिलर करेक्टर, नंबर ऑफ सिमिलर करेक्टर पे बेस्ड थे, ठीक है। सहवाग, कौन है सहवाग? क्या नहीं समझ में आया? सहवाग बेटे, सहवाग लिख तो दिया करो, समझ में नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया तो बता दो, ठीक है। सर आवाज बहुत तेज आ रही है, ठीक है, बिल्लू कहते हो आवाज नहीं आ रही है, ठीक, कोई बात नहीं है, तो अपना स्लो कर लो ना वहां पे, आवाज तेज आ रही है तो आवाज वहां से कम कर लो, उसमें क्या दिक्कत है, हद हो गए, मतलब हम तो तेज बोलेंगे ही, आप
आप कम कर लो, है तेज है, कोई बात नहीं, आप कम कर लो उधर से, आपके पास तो सिस्टम आई है कम करने का, है ना। देखो यहाँ पे मतलब रहता है, ये राजा हो गए नवाब हमारे लखनऊ के। देखो अब कह रहे हैं यहाँ पे जनरली ऑर्डर एन, तो देखो क्या पता है, अगर हम स्पीसीज की बात करें, जीनस की बात करें या फैमिली की बात करें, नंबर ऑफ सिमिलर क्रिएटर पे बेस होते हैं, याद रहेगा, याद रहेगा। यहाँ देखो इसके बाद कह रहे हैं जनरली ऑर्डर एन अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन एग्रीगेट ऑपरेटर। क्या कह रहे हैं देखो, ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमी, क्या बचा अदर में, क्या बचा, हाँ यस, फाइलम और किंगडम, फाइलम और किंगडम। देखो हाँ क्लास भी तो होगा यहां पे, तो क्लास हो गया, फाइलम हो गया और किंगडम हो गया, क्या डिवीजन भी हो गया क्या, है ना, एक दो तीन और चार, कितना हो गया भाई, क्लास हुआ कहो, हाँ फाइलम हुआ, किंगडम हुआ, डिवीजन हो गया, हाँ 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 ठीक है कि नाम तो रखेंगे ना, नाम तो आ ही गया गिनती गिनाने में, है कि नहीं, तो कितने हो गए चार, क्लास फाइलम किंगडम और डिवीजन, ठीक है, क्लास फाइलम किंगडम और डिवीजन, ठीक है। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अब देखो यहाँ पे, तो ये कह रहे हैं कि किस चीज बेस, देखो जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन एग्रीगेट ऑफ करेक्टर, एडवांस करेक्टर है, ठीक है, किस चीज बेस्ड है, एडवांस करेक्टर पे। तो क्या क्या बताया जो एग्रीगेट ऑफ करेक्टर पे बेस्ड है, मैं इसको मिटा दूं, थोड़ा सा भद्दा हो गया, नहीं देखो यहाँ पे बोझ बोझ हो गया, बहुत ओ ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ थोड़ा थोड़ा, है ना, हाँ। तो यहाँ देखो क्या क्या लिखा हमने, हमने यहाँ बताया कि जो ऑर्डर होता है, सॉरी जो कह रहे हैं कि स्पीसीज जीनस और फैमिलीज, स्पीसीज जीनस और फैमिलीज, ठीक है, यहां हमने बताया जीनस स्पीसीज फैमिली, ठीक है, जीएल है जनरल स्टडीज होता है, किसी से बेस बताया, बताओ बेस्ड ऑन सिमिलर करेक्टर, कौन कौन से बताओ, जीएसएफ, जीएस याद रखिएगा, जीएस है ना, जीएस है, जीएसएफ जीनस स्पीसीज फैमिली बेस्ड ऑन सिमिलर करेक्टर, क्या सिमिलर करेक्टर, लेकिन 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 इधर क्या क्या बताया हमने, देखो यहां हमने बताया हायर में क्या क्या बताया, फाइलम क्लास और कौन कौन सा, फाइलम क्लास डिवीजन और किंगडम, पास में आ गया, कौन है किंगडम। यहां पे अगर देखा जाए सी फॉर कैट डी, ऐसे याद कर लो, ठीक है, सी डी पी के याद रहेगा, ये किसी से बेस्ट बताओ, एग्रीगेट ऑफ करेक्टर, यहां देखो यहां पे बेस्ड ऑन एग्रीगेट ऑफ करेक्टर, अब चूंकि ये एडवांस के लेवल के है तो एडवांस करेक्टर तो होना ही चाहिए, कुछ एडवांस करेक्टर साथ में, तो सी डी पी के किस पे बेस्ड, देखो एडवांस करेक्टर कुछ होंगे थोड़ा सा आगे के करेक्टर होंगे एडवांस लेवल के, तो उस पे बेस्ड कौन, सी डी पी के, क्या सी डी पी के, यहाँ देखो तो जीनस स्पीसीज और फैमिली किसी से बेस्ड, बेस्ड ऑन सिमिलर करेक्टर, तीन है ऐसे जो सिमिलर करेक्टर बेस्ड होते हैं और चार ऐसे हैं जो एग्रीगेट ऑपरेटर पे बेस्ड होते हैं, क्लियर है, भूल जाओगे नहीं, जी सब तीन है जो बेस्ड है सिमिलर करेक्टर पे, ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है। तो स्पीसीज जीनस और फैमिलीज, ठीक, दूसरा क्या बताया, देखो यहां बताया एंड अदर हायर, हायर में सारी चीज आ गई इसमें,
ये मैंने इधर लिख दिया है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखो यहां पे आगे बोलोगे तो नहीं, ठीक है, तो यहां देखो, तो आप सीडीपी के कहेंगे समझ जाना, सीडीपी के समझेंगे बेस्ड ऑन एग्रीगेट ऑफ करेक्टर एडवांस करेक्टर पे, और अगर हम पूछे जीएसएफ क्या बताओगे, सिमिलर करेक्टर पे, किस पे, सिमिलर करेक्टर पे, ठीक है, ओके, हाँ ठीक है, डॉक्टर विकास, ओके संजय सा है, डॉक्टर विकास कहाँ है, डॉक्टर विकास वैल्यूम कम कर लो, ठीक है कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, ओके ले लो मजे, ठीक है, नाजा नाजा, ठीक बहुत अच्छा, इतना देर बता रहा नाजा नाजा, कब खत्म हो गया नाजा नाजा, देखो दर सांप आप निकला, देखो दर कह रहे हैं यहाँ पे ऑर्डर बींग ए हायर कैटेगरीज इज द असेंबलेंस ऑफ फैमिलीज, जाहिर सी बात है डिफरेंट टाइप की फैमिली का ग्रुप है, असेंबली मतलब ग्रुप, ऐसे असेंबली नहीं होती, बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पे, है ना, कह रहे हैं यहाँ पे असेंबलीज फैमिलीज विच एग्जिबिट ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू, जाहिर सी बात है जैसे ऊपर चलते जाएंगे सिमिलरिटीज कम होती जाएगी, है ना, जनरल इंक्लूडेड इन फैमिली, अब क्या होता है देखो, फैमिली प्लांट फैमिलीज लाइक, ये इंपॉर्टेंट है, देखो कन्वोल्यूसी, पहली चीज तो ये कि कन्वोल्यूसी है क्या, क्या है ये फैमिली है, क्या है ये फैमिली है, यहां देखो तो कह रहे हैं कि जो कन्वोल्यूसी है ये क्या है फैमिली है, और क्या सोनेसी क्या है फैमिली है, कन्वोल्यूसी और सोनेसी आर इंक्लूड इन द ऑर्डर कहां पे पॉलीमोनियल्स, यहाँ पे पॉलीमोनियल क्या बता चुके हैं, क्या किस चीज पे बेस से बताओ, फ्लोरल की वेजिटेटिव की दोनों सिर्फ और सिर्फ फ्लोरल करेक्टर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज हॉट स्पॉट, ठीक है ये पूछा जाएगा आपसे, तो कॉन्वलेसी सोनेसी जो कि है क्या फैमिली, और बेस ये इसको मिलाया गया किसमें पॉलीमोनियल जो कि है ऑर्डर, ठीक है किसी से बेस्ड है ओनली ऑन फ्लोरल करेक्टर, द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा, अब देखो कार्निवोरा क्या है ये ऑर्डर है, क्या क्या इसमें देखो कार्निवोरा में फैमिली इंक्लूड किया गया है, कौन कौन सी फेलिडी और कैनिडी, फेलिडी कौन सा वाला बिल्ली वाला कि लायन वाला कि टाइगर वाला कि लीपर्ड वाला, अरे सारे वाले आ जाएंगे इसमें सारे वाले आ जाएंगे, और कैनेडी में क्या आएगा कुत्ते लोग आ जाएंगे, नहीं कुत्ते लोग आ जाएंगे, कुत्तों की इज्जत बढ़ गई, देखो नाम लिख गया एनसीईआरटी में नाम आ गया, नहीं कुत्ते लोग आज दौड़ रहे होंगे बुढ़िया इतना तान के कि मेरा नाम एनसीईआरटी में आ गया, देखो यहाँ तो कह रहे हैं कैनेडी फिलिडी और जितने भी हैं इनको कहाँ रखा गया है कॉर्निवोरा में, आपसे पूछे टाइगर का ऑर्डर कौन सा है कॉर्निवोरा, लायन का लीपर्ड का बिल्ली का कुत्ते का खत्म कॉर्निवोरा, इन सब का ऑर्डर क्या कॉर्निवोरा, कुछ समझ में आया, ठीक है कुत्ते की फैमिली क्या है बोलो कैनेडी, बिल्ली की फैमिली फेलिडी की फेलिस, फेलिडी फेलिस क्या है स्पीसीज, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, जीनस है मास, ठीक है हाँ उल्टा मत कर देना, यहाँ देखो तो हमारा जो बताया सीडीपी के ये क्या बेस्ड है बेस्ड ऑन एग्रीगेट ऑफ करेक्टर पे, जीएसएफ बेस्ड ऑन सिमिलर करेक्टर पे, जीएसएफ क्या है जीनस है कि स्पीसीज है कि फैमिली है, हाँ तीनों है, किस चीज पे बेस्ड है सिमिलर की डिसिमिलर, सिमिलर करेक्टर पे, किस पे सिमिलर करेक्टर पे, कुछ समझ में आया, फिर से बता रहे हैं ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलीमोनियल्स जो है बेस्ड है किस चीज पे फ्लोरल, इसमें सिर्फ और सिर्फ फूलों को देखा गया है और उसके बेस पे प्लांट को अलग अलग किया गया है, कुछ समझ में आया, फ्लावर जैसे हैं उस हिसाब से चेंज किया गया है, ठीक है ये हमारा खत्म हुआ कौन सा ऑर्डर, क्लियर है सीडीपी के याद रखना भूल मत जाना और जीएसएफ याद रखना, ठीक है देखो आगे, और बाकी हमने बताया पॉलीमोनियल वाला इंपॉर्टेंट तो है ही है, ठीक चलो आ जाते हैं आगे, ठीक है हम आपको हिसाब से करवा रहे हैं कि आपका जो एक क्वेश्चन देखो भी गलत नहीं होगा, अगला हमारे पास कौन सा देखो क्लास, देखो यहाँ पे क्लास की बात करें यहाँ पे, ये देखो दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर,
जैसे आपसे पूछें आप किस क्लास में पढ़ रहे हो, क्या बताओगे इस समय? आप तो बता सकते हो, आपके पास है चांस है, आप क्या बताओगे? अरे वाह क्या बात, आपके पास क्या बताओगे? इंटर पास आउट हो गया, आपको आपके पेपर होगा ना, ये आपका आपका पेपर होगा। ठीक है ठीक है ठीक, ओके देखो ठीक है ठीक है। फिर द यहाँ देखो क्लास की बात करें, दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर, जाहिर सी बात फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा। यहाँ देखो आप कह रहे हैं जो ऑर्डर प्राइमेटा, आपको बताएंगे प्राइमेट और नॉन प्राइमेट, मैन एप मंकी गोरिल्ला गिब्बन, क्या है ये? प्राइमेट है। क्या है ये? प्राइमेट, मैन एप मंकी गोरिल्ला गिब्बन। यहाँ देखो ऑर्डर प्राइमा कंप्राइजिंग मंकी, क्या क्या आएगा इसमें? मंकी गोरिल्ला और गिब्बन। ठीक है, मंकी गोरिल्ला और गिब्बन को किस ऑर्डर में रखा गया है? प्राइमेटा में। कहाँ पे? प्राइमेटा में। ठीक है, और इनकी क्लास क्या है? क्या है आपकी क्लास? क्या है मैमेलिया? क्या क्लास है? गोरिल्ला क्लास क्या है? गिब्बन क्लास क्या है? मंकी क्लास क्या है? गाय क्लास क्या है? भैंसी क्लास क्या है? भालू क्लास क्या है? टाइगर क्लास क्या है? हाँ मैमेलिया। लेकिन ऑर्डर क्या होगा कैट का? हाँ कैरिनो नहीं, कार्निवोरा, कैरिनो बोरा। तो नया नया नाम कहाँ से लड़के लेके आ रही है, हद हो गई। मतलब ये कार्निवोरा है बस में, तो कार्निवोरा क्या है, क्लास है कि ऑर्डर है? ऑर्डर है। मेमेलिया क्लास है कि ऑर्डर है? हाँ क्लास, जो ऑनलाइन ले रहे हो भी मजा ले रहे हैं खूब, देख देख हाँ मजा आ गया। देखो तो यहाँ देखो मेमेलिया क्या है? क्लास है। ठीक है ध्यान रखना, गलत अलग अलग मत कर देना। ठीक है, और प्राइमेटा हमारा क्या हो गया? ऑर्डर। तो प्राइमेटा में मंकी गोरिल्ला गिब्बन ये सबको रखा गया है। क्लास क्या है देखो? मैमिलिया। एलॉन्ग विद ऑर्डर कार्निवोरा दैट इज इंक्लूड एनिमल्स लाइक टाइगर कैट एंड डॉग, ये तो रखा गया कार्निवोरम। देखो कार्निवोरम क्या क्या रखा गया, देखो यहाँ पे टाइगर रखा गया, कैट को, डॉग को। अब देखो यहाँ पे देखो कैट की फैमिली जो बताई थी हमने, कौन सी बताई? फेलिडी। डॉग की फैमिली कैनिडी। एक पूछा जाता है कि मान लो डॉग और कैट किस लेवल पे सेम टैक्सॉन पे मिलेंगे? क्लास में, बिल्कुल, ये दोनों क्लास क्या है? सेम है। क्लास पे, क्लास तो बाद में आएगा, उससे पहले कुछ आएगा? ऑर्डर भाई, क्लास में तो मिलेगा ही, क्लास देख के लिए, उससे पहले क्या ऑर्डर है भाई? तो ऑर्डर सबसे नजदीक होगा क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम है। नहीं है भाई, क्लास इसका देखा जाए तो ऑर्डर क्या है दोनों का? यहाँ देखो ऑर्डर प्राइमेटा है और उसका ऑर्डर क्या है? कॉर्निवोरा। क्या है? कॉर्निवोरा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? अगर ऑर्डर देखें यहाँ पे तो प्राइमेटा है, और क्लास यहाँ देखो मैमिलिया, वहां पे क्या है? क्लास कार्निवोरा है। क्या करेंगे? कार्निवोरा। क्या हो गया, कुछ समझा? कंफ्यूज हो गए हैं? क्लास मैमिलिया इसका, क्या है? क्लास मैमिलिया। यहाँ देखो तो कह रहे हैं कि यहाँ देखो इसका ऑर्डर कार्निवोरा है। बच्चे देखो मेरी बात समझो, टाइगर का, कैट का, डॉग का ऑर्डर क्या है? कार्निवोरा। क्या है? कार्निवोरा। ठीक है, सुधा रखिएगा। हाँ इसका पूछे आपको तो ऑर्डर इनका तीनों का, हाँ अच्छा कुत्ते का दिखा दिया हमने, क्या पूछा? कैट का, डॉग का ऑर्डर क्या है? कार्निवोरा है। और क्लास की बात, तो क्लास क्या हो? क्लास अलग एक सेम है। क्लास क्या है? टाइगर का क्लास क्या है? मैमिलिया। और डॉग का क्या हो जाएगा? कैट क्या हो जाएगा? एक ही हो जाएगा बस में। देखो आगे कह रहे हैं कि क्लास मेमेलिया हैज अदर ऑर्डर आल्सो, कह रहे जो क्लास मेमेलिया और भी दूसरे ऑर्डर आते हैं, नहीं दिया तो उसकी बात ही नहीं करेंगे। फिर से देखो मैंने क्या बताया, मैन एप मंकी गोरिल्ला गिब्बन किसमें आते हैं ऑर्डर? प्राइमेटा में, और ये क्लास कौन सा है इनका? मेमेलिया में। ठीक है, ये इनके ही मेमेलिया है, बल्कि ये भी आते हैं इसमें, इसी में। अब यहाँ देखो क्या है, क्लास मेमेलिया। दूसरी बात बताएंगे जो ऑर्डर है अलग अलग है, यहाँ पे ऑर्डर प्राइमेटा है, यहाँ पे ऑर्डर क्या है? कार्निवोरा है, लेकिन क्लास दोनों के देखो सबके सेम है। मैमेलिया, टाइगर क्लास मैमेलिया, कैट के क्लास मैमेलिया, डॉग क्लास मैमेलिया, गोरिल्ला क्लास मैमेलिया, मंकी क्लास गोरिल्ला मैमेलिया, गोरिल्ला क्लास। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ हाँ ऑर्डर चेंज है, ऑर्डर चेंज है भाई। टाइगर क्या हो जाएगा? कॉर्निवोरा। उसका कितना कौन सा हो जाएगा बताओ? प्रेमेटा। तो यहाँ पे ऑर्डर आपका चेंज, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, बट बहुत ऐसे क्वेश्चन बनते नहीं, ये हम लोग बात करें। अगला हमारे पास देखो क्या है, फाइलम। कौन सा? और जो फॉलम देने वाले टर्म थे कौन थे, दिया था बता किसी को? जॉर्ज क्यूवियर। ठीक है, जॉर्ज क्यूवियर,
क्यूबियर, जॉर्ज क्यूबियर, देखो यहाँ पे जॉर्ज क्यूबियर ने दिया था, इसको लिख लो, जो बाद में लिखवा भी देंगे आपको, ठीक है, लिखवा देंगे। देखो जॉर्ज क्यूबियर, देखो तो फाइलम, क्यूबियर ने दिया, किसने दिया, क्यूबियर में पूछा गया एक बार, बहुत पुराना क्वेश्चन आया था, लेकिन अब आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, चलो आ जाओगे। कह रहे हैं फाइलम क्या है, देखो यहाँ पे क्लासेस कंप्राइजेस एनिमल लाइक फिशेज, आप देखो यहाँ पे क्लास में क्या क्या देखो, कंप्राइजेस एनिमल लाइक कौन कौन, देखो फिशेज की बात कर रहे हैं, एम्फीबियंस, ठीक है, और क्या देखो, रेप्टाइल, बर्ड, ठीक है, अलॉन्ग विद मैमल्स, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल द फाइलम, तो डिफरेंट टाइप के क्लास को एक फाइलम में रखा गया है, किसमें रखा गया है, फाइलम में, पास में कुछ, तो कह रहे हैं फिशेज की अलग क्लास है, एम्फीबिया एक क्लास है, रेप्टाइल एक क्लास है, बर्ड एक क्लास है, और साथ में जो मैमल्स है वो भी एक क्लास है, और इन सबको मिला के रखा गया किसी फाइलम में, और फाइलम क्या बनेगा इसका बताओ, कॉर्डेटा, क्या बनेगा, कॉर्डेटा, सबको कॉर्डेटा में रखा गया है, आगे चलकर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, तो कह रहे हैं कि इनको हायर कैटेगरी कॉल द फाइलम, चूंकि नाम दे दिया है फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, इसलिए हम इसका नाम बता देते हैं, जिसमें वर्टिब्री पाया जाए, वर्टिब्री क्या बनाएंगे, कॉर्डा, कॉर्डा मतलब क्या, वर्टिब्रा कॉलम, यहाँ देखो ऑल दीज बेस्ड ऑन कॉमन फीचर लाइक, किस चीज पे बेस किया गया, देखो प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, नोटोकार्ड कुछ आगजम है, ये वर्टिब्रा कॉलम बना देता है, बैकबोन इसको बोलते हैं, है ना, यह है नोटोकार्ड, और डार्सल होलो न्यूरल सिस्टम, हम लोग को जो न्यूरल सिस्टम है, न्यूरल कैनाल है, पाइप जैसे ऊपर से नीचे तक निकलता है पूरा स्पाइनल, और उसमें क्या पड़ा होता है, लिक्विड पड़ा, बोलते हैं सीएसएफ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, और पीछे अगर चोट लग गया तो अगर न्यूरल नर्वस सिस्टम जो है वो डैमेज हो गया तो क्या होगा, फिर पैरालाइज हो जाएगा, पास में कुछ पैरालिसिस हो जाएगा उसमें, उसी बात का देखो, तो हम लोग जो नर्वस सिस्टम है कैसा है, वो हॉलो है, और कैसा है, डॉर्सल, बैक वाला पोर्शन क्या कहलाता है, डॉर्सल, सामने वाला क्या कहलाता है, वेंट्रल, ये वेंट्रल, पीछे वाला डॉर्सल, ऊपर वाला इंटीरियर, पीछे नीचे वाला पोस्टीरियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, वेंट्रल, डॉर्सल, उसमें देखो यहाँ पे, ये आप पढ़ोगे जब फर्स्ट ईयर में आओगे एमबीबीएस में, तो एक बुक आएगी आपकी जीरो वैल्यूम की, जीरो वैल्यूम, फर्स्ट वैल्यूम, सेकेंड वैल्यूम, थर्ड वैल्यूम, पूरी चार वैल्यूम है, जीरो वैल्यूम में यही सब दिया गया है पूरा, कौन सा इंटीरियर, कौन सा पोस्टीरियर, कौन सा वेंट्रल, कौन सा डॉर्सल, कौन सा लेटरल, कौन सा बायलेटरल, ये सारी चीज़ दी जाती है। देखो जो आप एक्सरे लिखो तो उस पर लिखना पड़ेगा, एपिलेटरल है, इलेटरल साइड में, या बायलेटरल है, सब लिखना पड़ेगा। देखो डॉर्सल होलो न्यूरल फिनल, तो कह रहे हैं कि जो हमने बताया फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, ठीक है, ये किस चीज़ से बेस इसको डिवाइड किया गया, देखो ऑन द बेस ऑफ नोटोकॉर्ड और डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम, ठीक है, ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है, कि जो फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टाइल और बर्ड को डिवाइड किया गया है किस बेस पे, तो नोटोकॉर्ड के बेस पे और डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम के बेस पे। देखो आगे आर इंक्लूडेड इन फाइलम, देखो लिखा हुआ है कॉर्डेटा, रखा गया कहाँ पे, फाइलम कॉर्डेटा में, आगे देखो इन केस ऑफ प्लांट, ठीक है, हम प्लांट की बात करें अगर मान लो यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगा, देखो प्लांट में क्लासेस विद फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइंड टू द हायर कैटेगरी कॉल द डिवीजन, मतलब वही कहने मतलब है कि प्लांट को जो है हायर क्लास क्या हो जाएगा, सबसे हाईएस्ट क्लास, हायर क्लास वो क्या हो जाएगा, डिवीजन, और एनिमल में उसी को हम लोग रखते हैं क्या, फाइलम, एनिमल में जिसको फाइलम बोलते हैं उसी को प्लांट के लिए डिवीजन वर्ड यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, डिवीजन यूज करते हैं, ठीक है, उसमें आया, तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखना, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो समझ गए, फिर से देखो मैंने क्या बताया, कह रहे हैं कि जो फिशेज हैं, एम्फीबिया है, ठीक है, और साथ में क्या, रेप्टाइल और बर्ड्स हैं, ठीक है, ये मैमल्स को मिला के कहाँ रख दिया गया, हायर क्लास में, फाइलम रखा गया, उस फाइलम का नाम क्या है, कॉर्डेटा है, और कॉर्डेटा में किस चीज़ में रखा गया, नोटोकॉर्ड और डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम के बेस पे, यही आप लोअर में पढ़ोगे तो लोअर में क्या होता है, ये जो न्यूरल सिस्टम होता है वेंट्रल साइड पे होता है, और हायर क्लास में क्या होता है, डॉर्सल साइड पे होता है, बैकबोन कहाँ, डॉर्सल साइड पे, कुछ बात समझ, ये हम लोग बात कर रहे हैं, देखो विद फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइंड टू ए हायर कैटेगरी, हम लोग बात करें, मतलब कहने मतलब यहाँ कि यहाँ पे इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ पे है, क्लास में था, और साथ साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैमिली और ऑर्डर में, तो फैमिली और ऑर्डर के जब भी पढ़ें जो जो पॉइंट हमने इंपॉर्टेंट किए थे वहाँ पे जरूर उसको देख लीजिएगा, कुछ समझ आया,
चलो ये हो गया फाइलम। तो टर्न फाइलम किसने दिया बताओ, किसने दिया? अरे यार क्यूबियर ने। किसने दिया? क्यूबियर ने। किसने दिया? क्यूबियर ने। अब देखो आगे, अगला हमारे पास सबसे टॉप लेवल का है कौन सा? किंगडम। ये आ गया हमारा किंगडम। देखो किंगडम की बात कर रहे हैं यहां पे। कैरिंग इन ऑल एनिमल्स बिलोंग टू द वेरियस फाइला आर असाइंड टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड द किंगडम। सबसे हाईएस्ट कैटेगरी कौन सी है? किंगडम। ठीक है, आप कह रहे हैं देखो यहां पे, और सबसे लोवेस्ट कैटेगरी कौन सी है? स्पीसीज। हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम, लोवेस्ट कौन सी है? स्पीसीज। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, सबसे हाईएस्ट कैटेगरी हमारी कौन सी है? किंगडम है। सबसे लोवेस्ट कौन सी है? सबसे बेसिक कौन सी है? सबसे लोवेस्ट, सबसे बेसिक, सबसे स्मॉलेस्ट, ऐसे पूछ सकते हो। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? थक गए क्या? थक गए नहीं, स्पीसीज। यहाँ देखो, एनिमलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल, द किंगडम प्लांटी ऑन द अदर हैंड इज ए डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइजेस ऑल प्लांट फ्रॉम द वेरियस डिवीजन। जितने टाइप के प्लांट उनको कौन सा रखा गया? प्लांटी में। कौन से किंगडम में? तो प्लांट के लिए प्लांटी में रख दिया गया। ठीक है, यहाँ देखो एनिमल के कौन सा है? एनिमेलिया। ठीक है, दूसरी बात कर रहे हैं यहाँ पे, और प्लांट इसी में क्या बोलते हैं हम लोग, आगे देखो, ऑल प्लांट फ्रॉम वेरियस डिवीजन, हेंस फोर्थ वी विल रिफर टू दीज टू ग्रुप एज एनिमल एंड प्लांट किंगडम। इसी को हम लोग एनिमल और प्लांट किंगडम बोलते हैं। पहले दो किंगडम सिस्टम चलते थे, तो टू किंगडम सिस्टम किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने। किसने दिया? कैरोलस लिनियस। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने। स्पीसीज प्लांट टर्म किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने। सब कुछ सब किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने, है ना। देखो यहाँ पे, कई टैक्सोनॉमिक कैटेगरी फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर। ये देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम विद स्पीसीज, देखो ऐसे चलता है असेंडिंग ऑर्डर। सबसे नीचे कौन होगा? सबसे टॉप पे कौन होगा? किंगडम। देखो यहाँ देखो, ये क्वेश्चन आया था इस बार और गलत दे दिया था, ऑप्शन तो कोई था ही नहीं, और शायद तो जरूरत उसको बोनस भी नहीं दिया गया। खैर देखो, है ना, देखो कैन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग विद द स्पीसीज। इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर रखा है, और कहाँ से स्टार्ट होगा? स्पीसीज से। ठीक है, दीज आर ब्रॉड कैटेगरी, हाउएवर टैक्सोनॉमिस्ट हैव आल्सो डेवलप्ड सब कैटेगरीज इन दिस हायरार्की। इसमें सब कैटेगरीज भी रखा गया है, ठीक है, टू फैसिलिटेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टैक्सा। कह रहे हैं कुछ में सब कैटेगरी का भी व्यवधान यहाँ पे किया गया है, ठीक है, ताकि चीजें और अच्छे तरीके से क्लासिफाई हो जाए। तो क्लासिफिकेशन को और एक्यूरेट बनाने के लिए सब कैटेगरी का कॉन्सेप्ट भी रखा गया है। ठीक, लुक एट द हायरार्की इन फिगर दिस, कैन यू रिकॉल दैट बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, से फॉर एग्जाम्पल वी एज वी गो हाई फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, द नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर क्या हो जाएगा? यहाँ देखो, एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, द नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर गोज ऑन डिक्रीज। क्या हो जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाओगे करेक्टर क्या हो जाएंगे? सिमिलरिटीज डिक्रीज होती जाएगी, सिमिलरिटीज फिर वो मिलना बंद हो जाएगा। कुछ मैं, हाँ ठीक है, बैठे बैठे वहीं सब ज्ञान देते रहो, सब के सब देख रहे हैं। देखो वहीं पे, देखो यहाँ पे, तो हम लोग लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, बढ़ाते रहो, और एक एक आदमी दस दस लोग को भेजे यहाँ पे, ठीक है, विकास, ठीक है, अमित, और यहाँ पे ज्ञानेन्द्र, ज्ञानेन्द्र देवेंद्र, सब लोग, है ना। देखो अब करें यहाँ पे एज वी गो, क्योंकि हमने क्लास स्टार्ट किया है, कम से कम 5000 सब्सक्राइबर तो होने चाहिए, हम नाइन्थ क्लास भी शुरू कर देंगे, बस ना कुछ खूब क्वेश्चन करवाएंगे ढेर सारे प्रैक्टिस में, है, हाँ बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल क्लियर है। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं, सिमिलरिटीज घटती जाती है, क्या हो जाएगी? घटती जाएगी, बस में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती जाएगी। जैसे आप देखो, आप और आपका भाई जो है उसमें सिमिलरिटी ज़्यादा होगी, रदर देन कि आपके दादाजी के जो दादाजी थे उनके जो भाई थे उनके लड़के थे उनसे अगर सिमिलरिटी करो मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो बहुत दूर के हो गए ना, ऊपर के हो गए, और आप क्या है? नीचे के। जितना नीचे रहोगे उतना सिमिलरिटी ज़्यादा मिलेगी, वही तो कह रहे हैं यहाँ पे, जितना लोवेस्ट कैटेगरी का रहेगा उतना सिमिलरिटी ज़्यादा मिलेगी, ऊपर बढ़ते जाओगे सिमिलरिटीज कम होती जाएगी। कुछ सुनाया?
को आगे। ये कुछ बात हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? देखो आगे, कॉमन करेक्टर क्या? डिक्रीजिंग। तो कुछ छूट तो नहीं गया? वही तो मैं सोच रहा, कुछ छूटा है। देखो ये है ना, देखो ना, देखो इसकी बात कर, देखो सबसे स्मॉलेस्ट लेवल कौन सा है? स्पीसीज है। तो सबसे बड़ा लेवल कौन सा है? किंगडम है। ये देखो जैसे नीचे से ऊपर चलते जाते हैं हम लोग, सिमिलरिटीज कम होती जाती है। बात समझ आया कुछ? और जिस लेवल पे फाइलम उस लेवल पे क्या रखा गया है? डिवीजन किसके लिए? एनिमल के लिए। किसके लिए? एनिमल के लिए कि प्लांट के लिए? प्लांट के लिए भाई। किसके लिए? प्लांट के लिए। सोते मत रहो। डिवीजन प्लांट के लिए, फाइलम एनिमल के लिए। उसके बाद क्या होगा? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ये पूरा याद होना चाहिए, ठीक है? सबको याद है? याद तो होगा ही है ना? देखो फिर भी बता देता हूँ आपको। जैसे इसको हल्का कर लें, देखो हमने बताया था आपको देखो जा देखो ये क्या है? K फॉर किंगडम। क्या है? किंगडम। P फॉर सी फॉर O फॉर F फॉर G फॉर S फॉर कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। अपने सारे बर्तन साफ रखो, नहीं तो फैमिली क्या हो जाएगी? बीमार पड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बीमार पड़ जाएगी। क्वेश्चन में आया? ठीक है, देखो सबसे ऊपर से चलेंगे, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली और जीनस और स्पीसीज। उसमें हो गया, तो इसे याद कर लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आया क्वेश्चन कहां पे? नीट 2022, इससे पहले भी आ चुका है, ठीक है? कई बार आ चुका है, ठीक है? तो गड़बड़ मत कर देना, इसको गड़बड़ करोगे पांच सिक्स हजार दी जाएगी अगर गड़बड़ करोगे तो। नहीं हो सकती क्या फांसी? भगत सिंह के जमाने में होती थी, अब नहीं हो सकती? अब तो क्रिमिनल को भी नहीं फांसी होती, नहीं होती है? देखो यहां देखो, किंगडम, किंगडम तो पूरा हो गया था ना, किंगडम पूरा हो गया था, गोज ऑन डिक्रीजिंग ये चल रहा था, ठीक है? एक्चुअली आप लोगों का सिलेबस चल रहा है बहुत, मतलब स्लो नहीं चल रहा है, पीछे चल रहा है। देखो यहाँ से तो थोड़ा सा कंपेंसेट करना, देखो क्या डिक्रीजिंग लोअर द टैक्स, देखो क्या कह रहे हैं, लोअर द टैक्स, जितना लोअर टैक्स होगा उतना सिमिलरिटी क्या होगी, कम की ज्यादा? देखो मोर आर द कैटेस्टिक एट द टर्म मेंबर विद इन द टैक्स ऑन शेयर, हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी। इन द कैटेगरी ऊपर जैसे बढ़ते जाओगे सिमिलरिटीज कम होती जाएगी, है ना? आगे देखो, दिल्ली से हमारे टैक्स था तो घर छोड़ो, अब कहीं लेवल्स, हेंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। जैसे जैसे ऊपर चलते जाओगे क्लासिफिकेशन का और थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। आगे देखो यहाँ पे टेबल यहाँ दिया गया, इंडिकेट द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज टू विच सम कॉमन गागजम लाइक हाउसफ्लाई, मैन, मैंगो एंड वीट बिलोंग। यहाँ कुछ दिया गया है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, देखो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, पहली बात ध्यान रखना, ठीक है? देखो यहाँ पे कुछ कॉमन नेम दिया है, जैसे कि पहला देखो क्या दिया है, मैन, दूसरा, तीसरा, चौथा, बीट।
देखो यहाँ पे मैन की बात करें, बायोलॉजिकल नेम जानते हो क्या? होमो सेपियंस। जीनस क्या है इसका? होमो। फैमिली क्या है? होमिनिडी, इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर क्या है? प्रीमेटा नहीं, प्राइमेटा, है ना? क्या है? प्राइमेटा। यहाँ देखो क्लास क्या है? मैमेलिया। और डिवीजन, फाइलम क्या है? याद रहेगा क्या है? कॉर्डेटा। क्लियर है? आगे देखो हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम मस्का डोमेस्टिका। क्या है? मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, जीनस बताओ, फैमिली बताओ, मसीडी। क्या नाम है? मसीडी, ये भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मस्का का मसीडी। ऑर्डर क्या है इसका? ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लास क्या है? इंसेक्टा। फाइलम क्या है? आर्थ्रोपोडा। मैंगम देखो, मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा क्या है? जीनस। इंडिका क्या है? स्पेसीज की स्पेसिफिक एपिथेट। हैं, बोलो, स्पेसिफिक एपिथेट क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक, आगे देखो जीनस क्या है, फैमिली क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या है? एनाकार्डियेसी। नहीं, एनाकार्डियेसी नींद आ रही है। हीरो तो देखो एनाकार्डियेसी। ऑर्डर क्या है? सेपिंडेल्स। क्लास क्या है? डाइकॉट। और एंजियोस्पर्म क्या है? डिवीजन की बात करें तो एंजियोस्पर्म होगी। यहां देखो वीट, नाम क्या है इसका? टेटिका मेस्टिवम। क्या नाम है? टेटिका मेस्टिवम, है ना? और जीनस क्या है बताओ? टिटिकम है। फैमिली बताओ? पोइसी बोलते, इसको ग्रेमनी भी बोल सकते हैं, इसको ग्रास या ग्रेमनी भी बोल सकते हैं। ग्रेमनी फैमिली, ग्रेमनी भी बोलते हैं। और इसका ऑर्डर क्या है? देखो पोएल्स क्या है? पोएल्स। और क्लास क्या है? मोनोकॉटिलेडोनी। और एंजियोस्पर्म तो है ही है। ध्यान नहीं रखना है कि जो मैंगो है उसका क्लास डाइकॉट और जो वीट है उसकी क्लास मोनोकॉट। कुछ समझ में आया? आया कि नहीं आया? आया कि गया? आया, याद हो गया? मतलब कुछ भी पूछे बता दोगी, है ना? और क्या, कुछ भी पूछे बता दोगी। चलो ठीक है, जहां जहां मैंने मार किया है वही पूछ लेते हैं। ह्यूमन का फैमिली बताओ। देख के भी नहीं बता पा रही, महारानी ढूंढ रहे थे। अरे हद हो गई, मतलब है। होमिनिडी। हाउस फ्लाई का फैमिली बताओ। है मैं क्या, मस्जिद आई। मैंगो का बताओ ऑर्डर क्या है? मैंगो का ऑर्डर बताओ। सेपेंडेल्स क्या है? सेपेंडेल्स, देखो सेपेंडेल्स है ये, है ना? सेपेंडेल्स। क्लास बताओ मैंगो का। हाँ, मैंगी फेरा। डाइकॉटिलेडोनी, डाइकॉटिलेडोनी क्या हो जाएगा? डाइकॉटिलेडोनी। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? क्या है? डाइकॉटिलेडोनी। बस मैं आगे बताओ, इसका डिवीजन क्या है मैंगो का? एंजियोस्पर्मी। क्या बोलेंगे? एंजियोस्पर्मी। मैंगो का डिवीजन एंजियोस्पर्मी, वीट का डिवीजन एंजियोस्पर्मी। कुछ समझ आया? ठीक है, बबूल का डिवीजन एंजियोस्पर्मी, पपाया का डिवीजन एंजियोस्पर्मी। इतने हायर प्लांट सबका डिवीजन क्या है? एंजियोस्पर्मी। कुछ समझ में आया? नहीं आया? ठीक है, यहाँ देखो मस्का डोमेस्टिका का क्लास कौन सा है बताओ? है ये रोज पूछेंगे जब तक कि आपके दिमाग में चढ़के ना बोलने लगे, यूं तैरने ना लगे। बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया? जितनी चीजें मैंने आज कराई है ये पूरा याद होना चाहिए। कुछ समझाया? रिफ्लेक्ट एक्शन में, यानी कि सर बता रहे हैं थोड़ा रिवाइज कर लें तब बता रहे हैं, ये सब हमारे यहाँ नहीं चलता। रिवाइज कर ले हैं, कल सुन लीजिएगा, आज नहीं सुनिए, है ना? नो एक्सक्यूज, कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज की सेवा यहीं तक, यहीं तक करते हैं, खत्म करते हैं, इसके बाद अगले चलेंगे। अगला टॉपिक हमारे पास होगा टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स, यहाँ भी एड्स चल रहा है, वहाँ भी एड्स चल रहा है ना? दोनों जगह एड्स चल रहा है। ये एड्स है, वो एड्स है ना? ठीक है, ऑनलाइन वाले भी और ऑफलाइन वाले भी ऐसे लगे रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। ठीक है, 5000 पहुँचा दो फटाफट, जल्दी से हम ऑनलाइन क्लास नाइट क्लास शुरू कर देंगे। ठीक है, बम्पर क्वेश्चन कराएंगे उसमें और रिविजन भी बढ़िया से कराएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। सर से पूछ लो, संतोष जी से, वो आपको बता देंगे। हाँ?
क्या बच्चे? कोई बात नहीं, जो पढ़े इंटर पास है ना, बस ठीक है, इतना बहुत है, पास होना चाहिए इंटर।